सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज रूस व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रूस व्लॉग लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे बिना किसी ब्रोकरेज के, और आज आप सबके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट। आप सब अगर ढूंढ रहे थे लखनऊ शहर में रेडी टू मूव मकान, तो आज का प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आस पास चारों तरफ घनी बस्ती है, उसके बीचों बीच बहुत ही अच्छी लोकेशन पे सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको लोकेशन अभी बता देते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शारदा नगर विस्तार योजना, नियर उमैक सिटी, बिजनौर रोड, लखनऊ में ये पड़ता है। डिटेल में सारी बातें करेंगे। आप फटाफट से इसका एक सिनेमैटिक लेकर के आइए, फिर बताते हैं आपको क्या क्या लाए हैं आज हम आपके लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर के आ गए हैं रेडी टू मूव फिनिश्ड हाउस का प्रोजेक्ट। सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको अलग अलग साइजेस में 3 BHK ड्यूप्लेक्स हाउसेस मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ साथ बहुत अच्छे प्राइसिंग में भी मिल रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारे प्लॉट से कुछ निकटतम स्थानों की दूरियां, जैसे कि एयरपोर्ट यहां से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। ओमैक सिटी प्रोजेक्ट से काफ़ी नज़दीक सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। रायबरेली रोड की अगर बात करें तो 3.5 किलोमीटर की रेडियस में आ जाती है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि शहीद पथ यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के रेडियस में है। बहुत पास में आपको मिल जाता है फेमस हॉस्पिटल SGPGI, जो कि 4 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। और आउटर रिंग रोड, जो कि 6-लेन हाईवे है, जो कि पूरे लखनऊ को कनेक्ट करती है, सिर्फ 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। प्रोजेक्ट से एकदम लगा हुआ आपको मिल जाएगा कृष्णा पब्लिक स्कूल। तो चलिए अब सीधे चलते हैं लोकेशन। तो भाई आज हम लोग जुड़े हैं स्वप्निल इंडिया के साथ, जो आपके लिए लेकर के आ गए लखनऊ शहर में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन में। बसी आसपास की लोकेलिटी की अगर बात करें तो बेहतरीन लोकेलिटी के बीचों बीच में आपके लिए रेडी टू मूव मकान। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जाएंगे अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। हेलो गाइस, आज हम आपको अपने प्रोजेक्ट पे लेके आए हैं। इसका नाम स्वप्निल सौभाग्य Phase 3 एक्सटेंशन है। हाँ। और सर, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ, हाँ, तो ये आपकी शहीद पथ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम आपको एक गेटेड टाउनशिप दे रहे हैं, जो कि आपकी बिजनौर और रायबरेली लिंक रोड पे, जो कि आपकी 60 फीट की रोड है और प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले हमारी ये गेटेड टाउनशिप पड़ती है सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लेकर के आए हम लोग आज व्यूअर्स के लिए? मैम, हम आपको यहाँ पे सिर्फ हाउसेस ही नहीं, हाँ, हाउसेस के साथ साथ आपका आशियाना बसाने लेके आए हुए हैं, हाँ, जिसमें हम आपको कॉलोनी के अंदर 3 BHK डुप्लेक्स हाउस दे रहे हैं। 1100 स्क्वायर फीट इस हाउस मात्र 50 लाख रुपए में, जिसमें आपके सामने की जो रोड्स रहती हैं, हाँ, वो आपकी 30-30 फीट चौड़ी, हाँ, आपकी रोड है, हाँ, और इसी के साथ साथ हम आपको ऐसी जगह घर देने जा रहे हैं जहाँ आसपास इस कॉलोनी में, हाँ, लोगों ने रहना शुरू भी कर दिया। ठीक है, तो अभी समझिए हम जो आपको मकान इनका दिखाने लाए हैं वो भी आपका सोल्ड आउट है। हाँ जी मैम, फैमिली रिसाइड कर रही है, काफी खुश हैं इनके क्लाइंट, ये बहुत देख के अच्छा लगा। डेवलपमेंट काफी तेजी से साइड में चल रहा है, वो सब कुछ देखेंगे, सारी बात करेंगे और जानेंगे हम लोग थोड़ा और इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, है ना? हाँ जी मैम। तो बिना देरी करते चले चलते अंदर, पहले आपको एक सैंपल हाउस विजिट कराते हैं। आ जाइए, घर के अंदर लेके आए हैं, जो कि आपका 1100 स्क्वायर फीट का हमारा हाउस है जी, जिसमें ऑलरेडी फैमिली रह रही हैं। इसमें, हाँ, काफी सारे चेंजेस सर ने अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से भी करवाए हुए हैं जी। यहाँ पे हम आपको इस 1100 स्क्वायर फीट के मकान के अंदर जो आपका इंटरनल पार्किंग स्पेस है, वो आपका 9.5x17 का कार पार्किंग स्पेस, और उसी के साथ साथ आपका लॉन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहे हैं जी। तो चलिए हम लोग गेस्ट रूम से एंट्री करते हैं। श्योर, यहाँ पर आप दरवाजे देख सकते हैं, डबल डोर सिस्टम शायद आपने दिया है ना? हाँ जी, यहाँ पे हम आपको जितनी भी पतान है वो आपकी, हाँ, डबल डोर डबल फ्रेम पतान देते हैं, जिसमें, हाँ, जो दरवाजा है, हाँ, उस सर ने अपनी चॉइस से, अपने पसंद से, अपने मन का लगवाया, यानी कि थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। आपको पूरी लिबर्टी है कस्टमाइजेशन करवाने की, क्योंकि भाई मकान बहुत सोच समझ के इंसान लेता है या बनवाता है। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग अपने घर में दो तरफ से एंट्री देते हैं, एक ड्राइंग रूम से, दूसरा आपके लॉबी पोर्शन से। अभी हम लोग ड्राइंग रूम में खड़े हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, जिन सर का ये मकान है, उन्होंने काफी अपने ख्वाबों से और अपने चॉइस से इस मकान को सजाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम उन्होंने बनाया है। और इस ड्राइंग रूम का जो आपका साइज आता है मैम, वो आपका 11.5x12 का आपका इस ड्राइंग रूम का साइज आता है। तो आप देख सकते हैं सोफा है, सेंटर टेबल है, इधर टीवी यूनिट है, सब कुछ होने के बाद भी काफी ज्यादा स्पेस है, स्पेस काफी अच्छी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए इधर इन्होंने डाल दिया पार्टीशन और इसके बगल में हमारा डाइनिंग स्पेस और किचन आई थिंक आएगा, है ना? हाँ। जी बिल्कुल सही कहा हमने।
तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया डाइनिंग स्पेस। आप बताते हुए चलिए स्पेस के साथ पे और बाकी डिटेल्स। अभी हम लोग अपने डाइनिंग स्पेस के लॉबी पोर्शन में खड़े हुए हैं जी। और घर का जो दूसरा एंट्रेंस है जो डायरेक्ट आपके लिए वो आपका ये मेन एंट्रेंस, जो कि मेन गेट पे खुलेगा, देख लीजिए यहाँ पे भी ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका किचन है जो कि आपका 6x9 का काफी बड़ा और प्रीशियस किचन आता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सर ने अपना भोजन का काम और बाकी चीजों का काम अपनी चॉइस से और अपने मन से करवाया हुआ है, जो कि हमको बता के और हमने उनको इस तरीके से काम करके दिया हुआ है। और एक चीज आप देख सकते हैं किचन में काफी बड़ी विंडो दी गई है, ये देख सकते हैं आप, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया। और ऊपर भी आपको एग्जॉस्ट के लिए स्पेस मिली है, देखिए आप यहाँ घर में आपको मैम अगर आप चिमनी इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको घर में कोई भी तोड़ फोड़ कराने की जरूरत नहीं है। आप चिमनी का आउटर या अपने घर के अंदर आपको कोई भी चीज लगवानी है तो आप इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं, चिमनी दोनों चीज के लिए आपके लिए। तो आइए मैं आपको इसका एक बार वॉशरूम भी दिखाना चाहूंगा कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आपके दो वॉशरूम देते हैं, जिसमें आपका एक वॉशरूम जो कि 6.5x6 का साइज का ये आपका वॉशरूम रहता है, ठीक है। एक आपका बेडरूम नीचे जिसका आपका साइज 10.5x12 का इसका साइज है बेडरूम का। और इसी के साथ साथ आपका अटैच पीछे ओटीएस और सेकंड बाथरूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ओटीएस में इन्होंने वॉशिंग, मतलब आप जो हम आपको कहते हैं हमेशा कि यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके सामने। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद भी स्पेस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे बेडरूम बनाया है, इधर वार्डरोब पूरा इन्होंने रख रखा है। उसके बाद भी आप स्पेस देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस आपको बच जाती है या मिल जाती है। बहुत कई बार क्लाइंट की हमारे पास मैम डिमांड आती है कि अगर घर के अंदर हम लोग अपना बेड डालते हैं या अपनी अलमीराज वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद में क्या स्पेस आपका बचता है। तो ये मकान इसलिए दिखा रहा है कि आपको हर एक चीज़ का बहुत ही सफाई से अंदाजा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आज आपको ड्यूप्लेक्स दिखा रहे हैं और भाई अपनी छत अपनी जमीन जड़ से मकान दिखा रहे हैं, तो हम लोग आ गए अभी फर्स्ट फ्लोर पे। और आगे अब आप बताइए क्या क्या दिखाने वाले हैं अब हम लोग। मैम फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जो आपको हाउस देते हैं जिसमें आपका एक बड़ा हॉल विद अटैच वॉशरूम जिसका आपका साइज 11.5x21 का साइज आता है। बट जिस मकान में अभी हम लोग खड़े हैं जो कि हमारे क्लाइंट ऑलरेडी इसके अंदर रह रहे हैं, उन्होंने इसको और ज्यादा अपना एक साथ कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है, जो कि उन्होंने सर ने अपना नक्शा बनवाया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क का काम भी है, ठीक है। तो आइए मैं पहले आपको हॉल दिखाता हूँ जी। हमें लगता है कि सबसे पहले तो ये हम लोग को बैल्कनी दिखानी चाहिए, उसके बाद अंदर चलते हैं, क्योंकि बैल्कनी देखिए यहाँ से आप पूरी सोसाइटी देख सकते हैं। प्लस क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि घनी बस्ती के बीचों बीच, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ मकान ही मकान दिखेंगे, चारों तरफ बसी हुई लोकेलिटी है। ये देखिए इधर भी आपको मकान ही मकान दिखेंगे, आप जब यहाँ पर आएंगे विजिट करने चारों तरफ आपको सिर्फ मकान ही मकान दिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, चलिए। अभी हम लोग अपने 1100 स्क्वायर फीट के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग यूजली जो हमारा प्राइमरी वर्क होता है जिसमें हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे बड़ा हॉल विद अटैच वॉशरूम देते हैं, जिसकी हॉल का आपका डायमेंशन 11.5x21 का आपका हॉल का डायमेंशन रहता है विद अटैच वॉशरूम जो कि 6.5x6 का वॉशरूम स्पेस है। बट जिस मकान में अभी हम लोग हैं उन सर ने अपना कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा कुछ करवाया हुआ है, जैसा आपने नक्शा नीचे देखा हुआ था एज इट इज वैसे ही नक्शा सर ने अपना ऊपर और ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवा के बनवाया हुआ। तो इधर देख लीजिए एक वॉशरूम है और एक चीज शुरुआत में जो आपको रूम मिल रहा है, देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो कितनी बढ़िया है, लाइटनिंग के लिए और वेंटिलेशन के लिए बहुत ही प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे विंडो दी गई है। और बाकी जैसा आपको नीचे रूम दिखाया था एज इट इज वैसे ही है। आगे चलते हैं अंदर वॉशरूम में, आपको यहाँ पे भी दो वॉशरूम है मैम, यहाँ पे जो वॉशरूम देते हैं वो एक वॉशरूम रहता है। अच्छा, जो कि आपका पूरा बड़ा हॉल विद अटैच वॉशरूम और यहाँ पे आपकी बड़ी विंडो रहती है जो कि वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा, बट क्योंकि मकान हम आपको जमीन से दे रहे हैं, आपकी जमीन आपकी छत, तो आप अपना कंस्ट्रक्शन कभी भी खुद से या हमसे कैसे करवा भी सकते। करवा सकते। तो भाई घर तो हम लोगों ने देख लिया और काफी खूबसूरत है, आई होप कि व्यूअर्स आपको भी पसंद आया होगा। हम तो आपसे यही कहेंगे कि पहले आप आइए और विजिट करिए, जिससे कि आपको पता चले कि कितना बेहतरीन रेडी टू मूव मकान और काफी अच्छे बजट में आपको एक अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, भैया बहुत क्वेरी आती है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी रहती है। मैम अगर हम घर में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो घर के अंदर हम लोग सॉइल लेवल से 4 फीट की आपकी
फिर पिलर का वर्क कर रहे हैं और पिलर भी आपके घर के हर एक पिलर इंडिविजुअल पिलर है, जैसे कि आप अगर देख भी पाएंगे तो आपके इंडिविजुअल पिलर्स हैं, कोई भी एक आपके पिलर में दूसरा पिलर शेयरिंग नहीं है, यानी कि 9x9 का पिलर आपका सेपरेटेड है। और उसी के साथ हम घर में आपको डीपीसी भी करके दे रहे हैं, जो कि आपके घर में सीलन वगैरह ना आए उसके लिए रहती है। और घर के अंदर आपकी डबल टाई बीम रहती है ग्राउंड फ्लोर एंड ऊपर आपकी फर्स्ट फ्लोर पे। टाई बीम के अंदर अगर हम या किसी भी पिलर्स के अंदर अगर बात करते हैं तो हम आपकी 12mm की सरिया से पिलर की कास्टिंग का वर्क कर रहे हैं, जिसमें 8mm के बॉन्ड से उस सरिया को बांध रहे हैं और 10 और 12mm के कंसोल में हम लोग स्लैब के अंदर आपके TMT बास का यूज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम सीमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग MP बिरला सीमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बिरला काफ़ी अच्छी आपकी कैटेगरी रहती है MP, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग फर्स्ट ग्रेड अव्वल क्वालिटी की ब्रिक यूज़ कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम आपको घर में समरसिबल 180 फीट डेप पे वरना लग्जर के मोटर के साथ दे रहे हैं। घर के अंदर अगर आपकी सीपी सैनिटरीज की बात की जाती है तो आपके हम लोग हिंदवेयर पेरीवेयर की सीपी सैनिटरीज यूज़ कर रहे हैं। वायरिंग आपकी हैवेल्स और KI में रहती है। स्विच सॉकेट बोर्ड्स आपके एंकर और उसी के साथ साथ एंकर की सब ब्रांड आपकी पेंटा और रोमा रहती है, जिसमें हम लोग आपको तो भैया ने सब कुछ आपको बता दिया A to Z। तो संकल्प जी, हम लोगों ने पूरा मकान विजिट करा दिया, बाकी डिटेल्स भी बता दी। अब हम चाहेंगे कि हम लोग व्यूअर्स को बताएं कि बुकिंग कैसे कर सकते हैं। सर मैम, बुकिंग के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, जो कि पहला नंबर मेरा है। और इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात करें, साइट विजिट करें और बुकिंग की प्रोसेस हम लोग साइट विजिट के बाद आपके मकान पसंद आने के बाद प्रोसेस करेंगे। मात्र आप 5 लाख रुपए से अपना मकान बुक कर सकते हैं और रहना शुरू कर सकते हैं। और जिसका की टोकन अमाउंट आपका मिनिमम 51,000 रुपए हम लोग टोकन अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं। बाकी बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, आपकी 80-90% डिपेंड ऑन आपकी प्रोफाइल पे, आपकी अर्निंग पे बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध रहती है। और यहाँ पे हमारे जो मकानों की प्राइसिंग है वो आपकी 1100 स्क्वायर फीट से आपकी 1500 स्क्वायर फीट तक हमारे मकान यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं, जो कि मात्र 50 लाख रुपए से लेके 65 लाख रुपए तक के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के मकान उपलब्ध मिल रहे हैं जी। 50 लाख रुपए में क्या साइज व्यूअर्स को मिल रहा है वो आप बताएं। 50 लाख रुपए मैम, हम आपको 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट साइज पे 22x50 के डायमेंशन पे 1535 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया कवर्ड एरिया देने जा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं एक विला के साइज का मकान। हाँ जी, एक विला के साइज का जमीन के साथ आपकी छत। और एक चीज बताइए कि कॉर्नर्स अवेलेबल है। बिल्कुल मैम, हमारे पास कॉर्नर्स अवेलेबल हैं और कॉर्नर्स हम लोग सिर्फ 1250 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट के ही सेगमेंट में हम लोग कॉर्नर्स लेके आते हैं, जिसपे आपकी 10% की PLC चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं। अगर हम कॉर्नर्स की बात करते हैं तो 1250 स्क्वायर फीट आपका 60 लाख का और 1500 स्क्वायर फीट आपका 70 लाख रुपए का प्राइस रहता है। वो 4 BHK है। 1500 स्क्वायर फीट में आपके 3 और 4 BHK बोथ ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा। आपको जैसा डिजाइन सेगमेंट समझ में आ रहा है आप उस पर अपना काम करा सकते हैं। तो दोस्तों एंड करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत दिनों से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बिजनौर रोड पे मकान लेकर के आइए। आई थिंक इतनी अच्छी लोकेशन में, इतनी अच्छी चारों तरफ घनी बस्ती के बीचों बीच प्लस ड्यूप्लेक्स आपको बना के दे रहा है। कॉर्नर अवेलेबल है, फेसिंग आपके हिसाब से आपको मिल जाएगी, इतनी अच्छी टाउनशिप में आपको मिल जाएगा, रेडी टू मूव योर विला। तो भाई दिएगा नंबर पे कॉल करिए और विजिट करिए। सबसे पहले मन बनाइए, लीगल चेक करिए और उसके बाद करिए बुकिंग। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रूस व्लॉग। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मुस्कुराते रहिए क्योंकि हम सब हैं लखनऊ में, और देखते रहिए रूस व्लॉग। मेरे साथ वीडियो शूट करना बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन के साथ अब ये है मेरा फोन नंबर, इस पे कॉल करके आप वीडियो शूट प्लान कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।